नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जमीनी विवाद में लाठी डंडों के साथ चली ताबड़तोड़ गोली, चार लोग हुए घायल। मामला खजनी थाना क्षेत्र के मऊ धर्म मंगल गांव का। मौके पर पहुंची खजनी पुलिस ने घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। मेडिकल कॉलेज हुए रेफर, चल रहा है इलाज। एसपी नॉर्थ ने कहा, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गाँव में फोर्स को किया गया है तैनात। गिरफ्तारी के लिए गठित की गयी है टीमें, जल्द होगी वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी। WHO ने मंकी पॉक्स को लेकर ग्लोबल इमरजेंसी किया घोषित। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आवश्यक गाइडलाइन किए जारी। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, जिला अस्पताल में 10 बेड किए गए हैं आरक्षित। मंकी पॉक्स घातक नहीं है बीमारी, लेकिन रहें सतर्क। गौ तस्करी में शामिल दो अभियुक्तों को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। दो गौवंश व घटना में प्रयुक्त दाब व मैजिक गाड़ी किया बरामद, भेजा जेल। मुहर्रम पर्व को लेकर इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी की बैठक सकुशल हुआ संपन्न। शासन के द्वारा जारी निर्देश का पालन करते हुए ही जुलूस निकालने पर बनी सहमति। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोप में वांछित एक अभियुक्त जयहिंद को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपहृत पीड़िता को किया बरामद, भेजा जेल। लोक संस्कृति एवं लोक कला के संरक्षण में पुरवाई कला के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर राजीव केतन की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर दो दिवसीय पुरवाई मात्र कला उत्सव का किया जा रहा है आयोजन। युवा व वृद्ध कलाकारों को किया जाएगा सम्मानित। पुरवाई कला की सचिव एवं संरक्षक ने दी जानकारी। दो 2016 में हुए चर्चित जेलकांड में वांछित एक शातिर अभियुक्त करुणेश तिवारी को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मारपीट व लूट की घटना में वांछित एक अभियुक्त राघव सिंह को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कृति विभाग के द्वारा प्रतिभा खोज कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 23 कलाकारों ने लिया भाग, प्रदर्शित किया अपनी अपनी प्रतिभा। मारवाड़ी महिला सेवा समिति द्वारा सावन में कन्हैया के झूला उत्सव का किया गया आयोजन। संस्था की सखियों द्वारा कन्हैया को झुलाया गया झूला, की गई भजन कजरी प्रस्तुति। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में प्रताप सभागार फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक तथा मुख्य ट्रस्टी स्वर्गीय डॉक्टर रघुनाथ चंद्र की मूर्ति का हुआ अनावरण। कहा, क्षत्रिय महासभा व प्रताप सभागार ट्रस्ट फाउंडेशन के प्रति हमेशा समर्पित रहते थे स्वर्गीय डॉक्टर रघुनाथ चंद्र। अब खबरें विस्तार से। खजनी थाना क्षेत्र के मऊ धर्म मंगलपुर में जमीनी विवाद में दबंगों ने गोली चलाई, जिसमें सुरेमान यादव, भोलू यादव, राजधारी यादव गंभीर रूप से घायल हैं। गोली चलाने वाला यूपी पुलिस में सिपाही बताया जा रहा है। आरोपी जय गोविंद यादव और भगवान दास यादव भी सरकारी कर्मचारी हैं। उनके साथ उनका पुत्र प्रिंस प्रीतम और शक्ति यादव भी शामिल थे। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची खजनी पुलिस ने घायल व्यक्तियों को जिला अस्पताल पहुँचाया, जहाँ से डॉक्टरों ने मामला गंभीर देखकर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि सुबह धर्म मंगल गांव में दो पक्षों में छज्जा निकालने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के व्यक्ति प्रमोद यादव ने फायर किया, जिसमें तीन लोगों को गोली लगी और घायल हो गए, जिनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है। अभी इलाज चल रहा है, सभी व्यक्ति खतरे से बाहर हैं। गांव में फोर्स को तैनात किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। जल्द ही वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए घायल व्यक्ति के पुत्र अमित यादव और SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, बोलो बोलो बोलो
क्या मामला था, क्यों मारे? जमीन का विवाद। कितने लोग थे? 8-9 लोग। क्या क्या नाम था उनका? और सबका नाम हमने घर पर नहीं हम रहे थे। क्या नाम है आपका? हमारा भोलू यादव। सर वो हमारे जमीन में जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे, हम लोग मना करने पर ऑन ड्यूटी में आकर प्रमोद यादव, भगवान दास यादव आकर हमारे घर में घुसकर गोली मार रहे थे। हम लोग मना किए, हमारे घर के 4 लोग घायल हो गए हैं। प्रमोद यादव मारे हैं और मुन्ना भगवान दास यादव। भगवान दास क्यों मारे? क्यों हमारे जमीन में जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे, मना कर रहे थे, इसलिए। कितने बजे आज चले? 9:30 बजे। कौन है आप? गोली लगी, कौन है आप? हम उनके लड़के हैं। किस गांव का मामला है? मऊ धर्मंगल खजनी। आज सुबह मऊ धर्मंगल गांव थाना खजनी में एक छज्जा निकालने को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के प्रमोद यादव ने फायर किया, जिससे 3 लोगों को गोली लगी है। हालांकि 3 खतरे से बाहर हैं, लेकिन इलाज के लिए उनको वरिष्ठ हायर सेंटर पर भेजा गया है। पुलिस यहाँ तैनात है, शांति व्यवस्था बनी हुई है। सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना करके दबिश दिलवाई जा रही है और आगे भी इनकी संपत्तियों की जांच कराई जाएगी और नाप कराई जाएगी, जो भी गलत होगी कर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये एक मकान का विवाद है, इसमें छज्जा निकालने को लेकर आज सुबह विवाद हुआ है, जिसमें एक प्रमोद यादव और एक बताया जा रहा है एक हवा का उसने फायरिंग की है, जिससे 3 लोगों को गोली लगी है। हालांकि 3 को खतरे से बाहर है, लेकिन उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और जो अभियुक्त इसने नाम आ रहा है उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया। इसमें देखा जा रहा है अगर ये भूमि विवाद पहले से है और उससे सबसे कोई लापरवाही हुई है तो उसकी भी सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि WHO की मैराथन बैठक में हुई थी, जिसमें मंकी पॉक्स दुनिया के 80 देशों से ज्यादा देशों में वायरस पहुंच चुका है, जिसमें केरल में 3 और दिल्ली में 1 केस देखे जा चुके हैं तथा सभी देशों को रेड अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अपने यहाँ भी जितने भी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सभी जगह पर मंकी पॉक्स से संदिग्ध मरीजों की स्कैनिंग शुरू कर दी गई है और उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक गाइडलाइन भी
जारी कर दी है तथा चिकित्सक भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है और साथ ही साथ जिला अस्पताल में 10 बेड आरक्षित भी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मंकी पॉक्स जैसी बीमारी से मृत्यु की कोई आशंका नहीं है, इससे केवल सर्दी, जुकाम, खांसी, सांस लेने की तकलीफ तथा शरीर में दाने पड़ने के लक्षण पाए जाते हैं। मंकी पॉक्स बीमारी किसी भी तरह का घातक नहीं है। करीब 14 से 21 दिन तक मरीजों को आइसोलेशन करना पड़ता है। उन्होंने इस बीमारी से बचाव के लिए कहा कि जिसको खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार जैसे लक्षण हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए कल एक मैराथन बैठक WHO की हुई थी जिसमें उन्होंने मंकी पॉक्स जो वर्तमान समय में दुनिया के 80 देशों से ज़्यादा देशों में प्रभाव अपना कर छोड़ चुका है और अब तो छोटे बच्चों में भी ये होने लगा है और इसके साथ ही 3 केसेस अपने यहाँ केरला में भी डिटेक्ट किए जा चुके हैं। इसको देखते हुए उन्होंने एक ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इसका मतलब है होता है कि सभी देश रेड अलर्ट हो गए हैं और उसी के सिलसिले में ये होता है कि आपके जितने एयरपोर्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो हैं, वहाँ पर स्क्रीनिंग कीजिए और वहाँ पर भी जो इस तरह के संदिग्ध मरीज हों उनको देखिए और उसी परिप्रेक्ष्य में अपने यहाँ भी जो है रेलवे स्टेशन और ख़ास करके जो लखनऊ का हवाई अड्डा है या जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वहाँ पर इसकी स्क्रीनिंग की शुरू कर दी गई है और हम लोग इसी तरह से पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक आवश्यक गाइडलाइन भी जारी कर दिया है और उसी के तहत जो है चिकित्सकों की ट्रेनिंग हो गई है और इसी के तहत जो है जिला अस्पताल में 10 बेड आरक्षित भी किए जा चुके हैं। अभी तक जो प्राप्त अभिलेख हैं उसके उन अभिलेखों के अनुसार मंकी पॉक्स एक क्रॉनिक डिजीज़ है और इसमें अभी मृत्यु रिपोर्टेड नहीं है। इसमें जुकाम, बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ और इसके साथ एक क्लासिकल सिम्टम्स होता है नोड्यूल्स लाइक दाने पड़ जाते हैं, ये लक्षण पाए जाते हैं और ये घातक नहीं होता है। करीब 14 से 21 दिन तक का आइसोलेशन करना पड़ता है लेकिन जिन लोगों के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, खास करके बच्चे, बीमार, बुज़ुर्ग, गर्भवती महिलाएं या क्रॉनिक डिजीज़ जिसमें जैसे HIV है, डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी है, कैंसर है, इन मरीज़ों को खास ध्यान लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से गोरखपुर की जनता को बतौर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के संरक्षक हैं, वो पूरी तरह से इस बीमारी की देख रेख कर रहे हैं और कोई भी अगर कोई तरह की कोई ऐसी घटना नहीं गोरखपुर में घटने पाएगी। देखिए बेसिकली अभी बचने का उपाय ये है कि ये जो है खांसी, जुकाम, बुखार, URTI जैसे लक्षण हैं तो इसका जो पुराना सिद्धांत है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन और यही मेन चीज़ है। खास करके अगर आप कहीं ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर अपरिचित लोग आते हैं या बाहर के लोग आ रहे हैं वहाँ पर मास्क का प्रयोग करिए, अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और जो भी हमारा रेस्पिरेटरी प्रोटोकॉल है, एटिकेट्स है, उसका फॉलो करिए, निश्चित आप लोग बचे रहेंगे। बांसगांव थाने की पुलिस ने गौ तस्करी में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जिसके संबंध में बांसगांव थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर धसका मछली मंडी से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनकी पहचान मनीष कुमार यादव पुत्र शिवशंकर यादव निवासी रानापार थाना झगा जनपद गोरखपुर, दूसरा शिवधर उर्फ भूअर पुत्र संतराज निवासी राउतपार थाना झगा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है जिसके पास से 2 गौवंश, 1 दाव, 1 मैजिक बरामद किया गया है। बांसगांव थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बांसगांव थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह, उपनिरीक्षक इत्यानंद पांडे, वरिष्ठ उपनिरीक्षक लक्ष्मी नारायण द्विवेदी, कांस्टेबल अनिल यादव, ध्रुव चंद्र धर्मेंद्र कुमार, दुर्गविजय चौहान, मोहित सिंह, अनिल कुमार यादव शामिल रहे।
इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी की बैठक तिवारीपुर स्थित ताज पैलेस में सकुशल संपन्न हुई, जिसमें इमाम चौक के मुतवल्लियों और अखाड़ों के उस्तादों की समस्याएं छाई रहीं, जिसमें मुतवल्लियों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के साथ ही रवायत के मुताबिक ही जुलूस निकालने पर हामी भरी। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी के संरक्षक एवं वरिष्ठ काउंसिलर खैरुल बशर ने कहा कि मुहर्रम का जुलूस हमेशा से पुरअमन माहौल से निकलता है। इस वर्ष भी शासन और प्रशासन की गाइडलाइन में ही पुरानी रवायत में मुहर्रम का जुलूस निकालकर मुतवल्ली अमन के पैगाम के पैकर बनेंगे। वहीं मुबारक खां दरगाह के अध्यक्ष इकरार अहमद ने कहा कि मुहर्रम जुलूस को निकालते समय मुतवल्ली अपनी पूरी निगरानी में जुलूस को लेकर चले, जुलूस में अराजक तत्व पर पूरी सावधानी बरतें। वैसे तो गोरखपुर इमाम चौक के मुतवल्ली शासन व प्रशासन के आदेशों का हर साल पालन किया करते हैं। शासन और प्रशासन की गाइडलाइन पर अमल करते हुए मुतवल्ली प्रशासन का सहयोग करें। मुहर्रम के जुलूसों की तैयारियों में मुतवल्लियों की शान बसी और रची हुई है। मुतवल्लियों की ओर से प्रशासन को हर त्योहारों के मौके पर सहयोग मिलता रहा है। इस अवसर पर कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, तिवारीपुर थाना प्रभारी राजेंद्र प्रताप सिंह, शिया समुदाय के एजाज अहमद रिजवी, अली अब्बास, सैयद नसीम, सुभी मोना, पार्षद अख्तर, पार्षद मतुद्दीन मतीन, पार्षद उजैर अहमद, पार्षद शहाब अंसारी, वरिष्ठ समाज सेवी सुल्तान खान, पूर्व पार्षद नवीउल्लाह अंसारी, एडवोकेट मोहम्मद अहमद सईद अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडवोकेट एजाज रिजवी और इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी के जिलाध्यक्ष अब्दुल्ला ने कहा, मैं वरिष्ठ समाज सेवी जनाब आदिल अमीन साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, खैरुल बशर साहब, जनाब यशस्वी साहब, अरे जाइए भाई, प्रशासन के दीगर काबूल से ताल्लुक रखता हूँ। विगत दो तीन सालों में दशहरे का त्यौहार थोड़ा तकलीफ दे जरूर हुआ, लेकिन मैं गोरखपुर की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। में भी उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखा, कहीं किसी किस्म की जहाँ तक मुहर्रम के काम को या मुहर्रम के जुलूस को ले जाने की बात है, जुलूस के बारे में आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। ये एक कुर्बानी का महीना है, जिन्हें हम पैग कहते हैं, वो नंगे पैर बाबा बाकायदा पाक साफ रह के बावजूद होकर के इमाम चौक पर और ताजियादारी के करीब आते जाते हैं। लेकिन अब देश का मुकाम है कि हम न रोजे का एहतराम करते, न हम किसी तरह से उसके उस पर अमल पैरा होते। इसके लिए मैं खास तौर से मुतलवानियान कमेटी के सरपरस्त से दरख्वास्त करूंगा कि जुलूस में अगर पाकिस्तानी रहेगी तो ये जुलूस सिर्फ इस बात का हामिल है कि हम अमन पसंद है और हम उस अल्लाह के नेक बंदे शहीद आजम के पैरोकारी का एक नमूना पेश करना चाहते हैं। जो कि उनकी मर्जी और अल्लाह की मर्जी कि हमारे इस जुलूस की शफ़क़त और मोहब्बत को कहां तक ले जाएगा, कहां पर मौका अदा करेगा, इसका हमें इल्म नहीं है। लेकिन हमें कम से कम अपने आप को और उस जुलूस को पाक साफ भी रखना चाहिए, और जब हम इसका लिहाज करेंगे तो यकीनी तौर पर हमारे जुलूस में किसी किस्म की कोई गंदगी, कोई मलाल, कोई मुदाहमत करने वाला कोई मौका वहां नहीं पैदा होगा। और इसके लिए प्रशासन भी ताकीद करे। मसलन जो लोग कुछ थोड़ी बहुत सी चीजें खाने पीने की पी लेते हैं तो उसमें अपने होश और जोश को खो देते हैं, और इसी का नतीजा होता है कि जुलूस बेतरतीब हो जाता है और आपस में नाइतफाकी पैदा होने का मसला खड़ा हो जाता है। एजाज रिजवी एडवोकेट, ये मुतवल्ली एक्शन कमेटी की बैठक हो रही है कि मुहर्रम को ठीक से हम लोग
संपन्न करें और किसी तरह कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहले से बता दिया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ध्यान देते हुए उसको सहूलियत से निपटा दें। और ये चूँकि शांति का पैगाम है, इंसानियत का पैगाम है, इसलिए इसको हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्वक निभा ले जाएँ। मैं इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी का जिला अध्यक्ष अब्दुल्ला। ये बैठक जो है इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी के तत्वाधान में है और शहर के जितने भी मुतवल्ली हैं, शहर और देहात के सारे मुतवल्ली आए हुए हैं, इनकी सारी समस्याएं सुनी जा रही हैं। जो इनकी परेशानियां होंगी और समस्या होंगी रोड के, नाले के या जलूस में किसी भी तरह के मतलब दुश्वारियां होंगी, उसको जिला प्रशासन के वहां पहुंचाया जाएगा कमेटी के पैड पर। कैंट पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को चार फाटक जाने वाले रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान जयहिंद्र पुत्र स्वर्गीय चंद्रपत निवासी मोहनापुर पोस्ट पकड़ी थाना अहिरौली जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 19 जुलाई को आवेदिका द्वारा जयहिंद्र पुत्र स्वर्गीय चंद्रपत निवासी मोहनापुर पोस्ट पकड़ी थाना अहिरौली जनपद कुशीनगर द्वारा उनकी पुत्री को भगा ले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। 23 जुलाई को अपहृत पीड़िता को बरामद कर लिया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय, उप निरीक्षक अवनीश कुमार पांडे, महिला उप निरीक्षक शिवी श्रीवास्तव, कांस्टेबल टीपू सुल्तान, ब्रजपाल यादव शामिल रहे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जमीनी विवाद में लाठी डंडों के साथ चली ताबड़तोड़ गोली, चार लोग हुए घायल। मामला खजनी थाना क्षेत्र के मऊ धर्म मंगल गांव का। मौके पर पहुंची खजनी पुलिस ने घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। मेडिकल कॉलेज हुए रेफर, चल रहा है इलाज। एसपी नॉर्थ ने कहा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गाँव में फोर्स को किया गया है तैनात। गिरफ्तारी के लिए गठित की गयी है टीमें, जल्द होगी वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी। WHO ने मंकी पॉक्स को लेकर ग्लोबल इमरजेंसी किया घोषित। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आवश्यक गाइडलाइन किए जारी। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा जिला अस्पताल में 10 बेड किए गए हैं आरक्षित। मंकी पॉक्स घातक नहीं है बीमारी, लेकिन रहें सतर्क। गौ तस्करी में शामिल दो अभियुक्तों को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। दो गौवंश व घटना में प्रयुक्त दाब व मैजिक गाड़ी किया बरामद, भेजा जेल। मुहर्रम पर्व को लेकर इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी की बैठक सकुशल हुआ संपन्न। शासन के द्वारा जारी निर्देश का पालन करते हुए ही जुलूस निकालने पर बनी सहमति। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोप में वांछित एक अभियुक्त जयहिंद को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपहृत पीड़िता को किया बरामद, भेजा जेल। लोक संस्कृति एवं लोक कला के संरक्षण में पुरवाई कला के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर राजीव केतन की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर दो दिवसीय पुरवाई मात्र कला उत्सव का किया जा रहा है आयोजन। युवा व वृद्ध कलाकारों को किया जाएगा सम्मानित। पुरवाई कला की सचिव एवं संरक्षक ने दी जानकारी। दो 2016 में हुए चर्चित जेलकांड में वांछित एक शातिर अभियुक्त करुणेश तिवारी को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मारपीट व लूट की घटना में वांछित एक अभियुक्त राघव सिंह को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कृति विभाग के द्वारा प्रतिभा खोज कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 23 कलाकारों ने लिया भाग, प्रदर्शित किया अपनी अपनी प्रतिभा। मारवाड़ी महिला सेवा समिति द्वारा सावन में कन्हैया के झूला उत्सव का किया गया आयोजन। संस्था की सखियों द्वारा कन्हैया को झुलाया गया झूला, की गई भजन कजरी प्रस्तुति। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में प्रताप सभागार फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक तथा मुख्य ट्रस्टी स्वर्गीय डॉक्टर रघुनाथ चंद्र की मूर्ति का हुआ अनावरण। कहा, क्षत्रिय महासभा व प्रताप सभागार ट्रस्ट फाउंडेशन के प्रति हमेशा समर्पित रहते थे स्वर्गीय डॉक्टर रघुनाथ चंद्र। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग, खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोक संस्कृति एवं लोक कला के संरक्षण में पुरवाई कला के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर राजीव केतन की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर दो दिवसीय पुरवाई मात्र कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुरवाई कला की सचिव ममता केतन ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि 1 अगस्त व 2 अगस्त को पुरवाई मात्र कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो चंद्रकांति रमापति देवी आर्य महिला PG कॉलेज के सभागार में होना सुनिश्चित है, जिसमें संगोष्ठी, संगीत, लोक चित्र का निर्माण
एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया जाएगा तथा पुरवाई मात्र कला लोक चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला तथा उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन द्वारा किया जाएगा। ममता केतन ने बताया कि इस प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 40 महिला चित्रकारों के बनाए कोहबर व चौक के चित्र प्रदर्शनी लगाया जाएगा। 2 अगस्त को स्वर्गीय डॉक्टर राजीव केतन जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा तथा युवा व वृद्ध कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुरवाई कला की सचिव ममता केतन एवं संरक्षक ध्रुव श्रीवास्तव ने कहा, मैं ध्रुव श्रीवास्तव, ये पुरवाई कला मातृकला का मैं संरक्षक हूँ संस्था का। यह संस्था मुख्य रूप से ये मान के चले कि डॉक्टर राजीव केतन की याद में, चूँकि वही इसके एक सृजक थे, दुर्भाग्य से हम लोग के बीच में नहीं है, दूसरी पुण्यतिथि है, उनकी पुण्यतिथि पे ही हम लोग इसका ये आयोजन करते हैं। इस आयोजन में ये रहता है कि हर बार हम लोग कोई नया कॉन्सेप्ट लेते हैं। इस बार हम लोगों ने लिया है कि पूर्वांचल की जो कलाएँ हैं, शादी ब्याह या जो भी लोक संस्कृति से संबंधित है, उनको हम लोगों ने लिया है और एक ग्रुप बना के हम लोगों ने पूरे देश भर से, खास तौर से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग पूरे देश में, उन महिलाओं से हम लोगों ने उनके चित्र मंगवाए हैं। वो बहुत से लोग अपने चित्र लेके खुद भी आ रहे हैं। 1 तारीख को इसका चित्र इसमें इसका जो है चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज में इसका आयोजन किया गया है। पहले दिन कार्यक्रम में ये होगा कि जैसे पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय पुष्पदन जैन जी कर रहे हैं और उद्घाटन भूतपूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय शिव प्रताप शुक्ला जी के द्वारा किया जाएगा। पहले दिन उद्घाटन के बाद एक संगोष्ठी है, पूर्वांचल में लोक कला का संरक्षण, जिसके जो मुख्य वक्ता जो होंगे डॉक्टर प्रोफेसर रामसब सिंह हैं, हरिप्रसाद सिंह जी हैं, इनकी अध्यक्षता में मुख्य वक्ता पुष्पदन जी की अध्यक्षता में ये लोग मुख्य वक्ता रहेंगे और एक संगोष्ठी का आयोजन है। पहले दिन 40 पेंटिंग्स जो है जो आ रही है उसकी प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है और एक संगीतात्मक लयबद्धता के साथ इन चित्रों का को दिखाया भी जाएगा। उसी चित्रों में से 2 चित्र, एक वयोवृद्ध वर्ग से और एक युवा वर्ग से, 2 चित्रों का एक जूरी के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा और वो अगले दिन जो 2 तारीख को पुनः वहीं पे जो कार्यक्रम के अगले दिन और अंतिम दिन, उनमें उन 2 कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही स्वर्गीय डॉक्टर राजीव केतन जी के लिए एक श्रद्धांजलि सभा भी रखी जाएगी और उसके पश्चात ये कार्यक्रम की समाप्ति। किन किन जगहों से आ रहे चित्रकार? चित्रकार बेसिकली जो पूर्वांचल से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन सारी जगहों से वो चित्र अभी तक आ चुके हैं और उनकी प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इन 4-5 राज्यों से वो लोग आ रहे हैं। ममता श्रीवास्तव, हाँ, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है पुरवाई कला गोरखपुर की तरफ से। पुरवाई कला गोरखपुर के संस्थापक डॉक्टर राजीव केतन की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इन 2 दिनों के कार्यक्रम, पहले दिन लगभग 40 घरेलू महिलाओं की लोक चित्रों की प्रदर्शनी होगी, जिसका उद्घाटन माननीय श्री शिव प्रताप शुक्ला जी के द्वारा होगा और उसके पश्चात एक संगोष्ठी का आयोजन है जो कि पूर्वांचल के लोक चित्रों पर ही आधारित है और एक संगीतबद्ध लाइव चित्रण का प्रोग्राम रखा गया है। और दूसरे दिन हमारे पुरवाई कला गोरखपुर की तरफ से 2 कलाकारों का हर वर्ष सम्मान किया जाता है, जिसमें एक युवा कलाकार होता है और एक वयोवृद्ध कलाकार। सम्मान समारोह है
और उसके पश्चात श्रद्धांजलि सभा है। कब लगानी है ये प्रदर्शनी, कब लगेगी ये प्रदर्शनी? प्रदर्शनी का उद्घाटन 1 तारीख को होगा, 1 और 2 सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे, साथ में प्रदर्शनी का अवलोकन होता रहेगा। इसमें बाहर से भी चित्रकार हैं? जी, बाहर से लगभग पूर्वांचल के कई कलाकार बाहर भी जो जाकर बस गए हैं, उन कलाकारों ने भी इसमें भाग लिया है, और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोक चित्र हैं उनको बनाकर इसमें पार्टिसिपेट किया है। शाहपुर थाने की पुलिस ने 2016 में हुए चर्चित जेल कांड में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को स्पोर्ट्स कॉलेज चौराहे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान करुणेश तिवारी पुत्र स्वर्गीय सत्यदेव तिवारी निवासी अहिरौली थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त 2016 के चर्चित जेल हत्याकांड में वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उपनिरीक्षक अभय नारायण सिंह, संतोष सिंह, हेड कांस्टेबल निरुद्दीन खान, कांस्टेबल अजय कुमार, राहुल सरोज, शशिकांत सिंह शामिल रहे। कैंट पुलिस ने मारपीट व लूट की घटना में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को पार्क रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राघव सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी गौतम विहार MIG 60 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 23 जुलाई को शाम 8 बजे होटल क्लार्क्स गोरखपुर की पार्किंग में से एक सफेद i20 कार द्वारा बैक करते समय आवेदक डॉक्टर शुभांकित की गाड़ी टाटा सफारी से छू गई। गाड़ी में सवार 3 व्यक्तियों द्वारा आवेदक उपरोक्त के गाड़ी को घेर कर बाहर निकाला गया, एवं उसमें से एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था उससे गाली गलौज करते हुए डॉक्टर शुभांकित आर्य पर हमला कर दिया और उनकी गोल्ड चेन छीनी एवं उनका चश्मा भी तोड़ दिया। उस समय आवेदक अपने बचाव की कोशिश की, किंतु अपने आत्मरक्षार्थ में सफल नहीं हुआ। हमला करने वाले संख्या में 3 थे, जो घटना के बाद मौके से फरार हो गए, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अपने 2 अन्य मित्रों के साथ होटल क्लार्क के बार से निकल रहा था, तभी पार्किंग स्थल पर ही वादी से उनकी भिड़ंत हो गई और उनके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर आपराधिक घटना को कारित करते हुए वादी की चेन छीनकर भाग गए। उन्होंने बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार राय, कांस्टेबल राजेश यादव, संदीप शामिल रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिभा खोज का आयोजन किया गया, जिसमें 23 टीमों ने भाग लिया और अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में संस्कृति विभाग के प्रभारी मनोज कुमार गौतम ने बताया कि यह आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रतिभा खोज का आयोजन किया गया है, तथा यह आयोजन प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है और जनपद के 23 कलाकारों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया था, जो कि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इन कलाकारों को QR कोड परिचय पत्र दिया जाएगा, क्योंकि प्रदेश भर में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन विभिन्न अवसरों पर होते हैं, उस समय कलाकारों को अपने कला को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ कलाकार चेता सिंह एवं सांस्कृतिक विभाग के प्रभारी मनोज कुमार गौतम और अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने कहा, हम
एक थबरी है याद किया किया है। आगुने में कोई लकरार हो, आगुने में कोई लकरार हो, सवनों में लाई प्रतिभा जो चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो ये जो चल रहा है संस्कृति विभाग द्वारा अच्छे कलाकारों की यहाँ चयन किया जा रहा है। तो जो अच्छे कलाकार हमारे आएंगे उनको आगे बढ़ाएंगे। ये कहाँ के कलाकार हैं? ये सब स्थानीय कलाकार हैं, सब हमारे गोरखपुर के जितने भी आजू बाजू के क्षेत्र के जब जो हैं लोकल कलाकार हैं सब। एक दिन के लिए कि आगे भी? नहीं, आगे भी जो इनको जो चयन किया जाएगा इनको फिर आगे बढ़ाया जाएगा। मैं डॉक्टर मनोज कुमार गौतम, उप निदेशक राजकीय भाव संग्रहालय गोरखपुर, प्रभारी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र गोरखपुर। देखिए, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये आयोजन किया गया है। सांस्कृतिक प्रतिभा खोज
इसमें पूरे प्रदेश में 75 जनपद हैं हमारे, सभी जनपदों में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस प्रस्तुति में जो कलाकार आए हैं, यहाँ पे गोरखपुर में 23 कलाकारों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया था, आज उनका स्वर परीक्षण किया जा रहा है और इन कलाकारों को ग्रेडिंग प्रदान की जाएगी और विभाग द्वारा QR कोड बेस्ड जो है इनको परिचय पत्र प्रदान किया जाएगा। और प्रदेश भर में जब भी हमारे जो सांस्कृतिक आयोजन विभिन्न अवसरों पर होते हैं, उन अवसरों पर इन कलाकारों को प्रस्तुति का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो 11-17 अगस्त तक चलेगा आज़ादी का महोत्सव, भाग लेंगे लोग? नहीं, देखिए 11-17 का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें हम हर घर तिरंगा का कार्यक्रम है वो, और उसमें अलग से चूँकि प्रतियोगिताएँ जब तक पूरे प्रदेश में संपन्न नहीं हो जाएंगी तब तक इसका चयन कर पाना संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारे विभाग में जो रजिस्टर्ड पंजीकृत कलाकार हैं उनको 11-17 में विभिन्न जगह पे विभिन्न आयोजन जो किए जाएंगे वहाँ पे अवसर प्रदान किया जाएगा। किस तरह का आज प्रतिभा को चल रहा है? देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज यहाँ पर सांस्कृतिक विभाग द्वारा सांस्कृतिक कलाकारों की तरफ से जो आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसमें जो अच्छे जो कलाकार होंगे उनका आज यहाँ पर चयन किया जाएगा। सर लगभग कितने कलाकार बुलाए गए हैं यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 23 कलाकार आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी को 5-5 मिनट का मौका दिया गया है और जो भी अच्छा इसमें गाएंगे मतलब उसमें ग्रेडिंग की जाएगी। क्या सर ये जो 11-17 तक चलेगा आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम, जो भाग लेंगे जो चयनित होंगे? हाँ, उस बीच बीच में जब चूँकि ये सारे हमारे कलाकार सब लोकल स्तर के हैं, स्थानीय स्तर के एक कलाकार हैं, तो इनको अगर हमें कभी जरूरत पड़ेगी तो उनको शामिल करेंगे। मारवाड़ी महिला सेवा समिति द्वारा एक निजी रेस्टोरेंट में सावन में कन्हैया के झूला उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम उत्सव सावन में कन्हैया के झूला उत्सव के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया गया और संस्था की सखियों द्वारा कन्हैया को झूला झुलाया गया एवं भजन कजरी प्रस्तुति की गई, जिसके संबंध में मारवाड़ी महिला समिति के संयोजिका रेणु कंदोई ने बताया कि सावन में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए अपने शैया पर सोने के लिए चले जाते हैं तो सृष्टि की जिम्मेदारी अलग अलग भगवान के ऊपर आ जाती है। सावन की जिम्मेदारी पूरे भगवान शिव के ऊपर आ जाती है, पूरा सावन महीना भगवान शिव की आराधना का है। उन्होंने बताया कि जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं भगवान शिव की आराधना करते हैं। वही नीलम वाशनेवाल ने बताया कि संस्था की सखियों द्वारा कन्हैया को झूला झुलाया गया एवं भजन कजरी प्रस्तुत की गई तथा सबने मिलजुल कर नृत्य व गान प्रस्तुत किया। इस अवसर पर रेणु गोयल, सचिन केडिया, मंजू दोचानिया, मिताली जलान, सीमा अग्रवाल, ममता बंका, पूनम रुंगटा, बिंदु टिबड़ेवाल सहित अन्य महिला उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मारवाड़ी महिला सेवा समिति की संयोजिका रेणु कंदोई व नीलम वाशनीवाल ने कहा, ये तो भाई।
मेरा नाम रेणु कंदोई, मैं मारवाड़ी महिला समिति की संयोजिका। आज ही हम लोगों ने सावन झूला उत्सव और तीज का उत्सव रखा है मारवाड़ी महिला सेवा समिति की तरफ से। ये हमारा नई संस्था का गठन हुआ है और हम लोग अपने मारवाड़ी संस्कृति को प्रचार प्रसार के लिए और उसकी सभ्यता के प्रसार के लिए हम लोगों ने इसका गठन किया है। और हम लोग हमेशा से समाज सेवा के बीच में रह के समाज सेवा के बहुत से काम करते आए हैं समाज के बीच पे रह के। विगत कई वर्षों से मारवाड़ी सेवा समिति गोरखपुर शहर में कार्यरत है और महिलाएं भी उनसे कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा कार्य करती आ रही हैं, लेकिन अब अलग से महिला समिति का एक गठन हो गया है ताकि हम लोग और अधिक अच्छे रूप से समाज के बीच में कुछ अच्छे सार्थक कार्य कर सकें। सावन माह का तो महत्व यही है कि जैसे कि विष्णु भगवान जब अपनी शैया पे चले जाते हैं सोने के लिए, तो चार महीने के लिए वो सारी सृष्टि की जिम्मेदारी वो अलग अलग भगवान के ऊपर आ जाती है। तो सावन की जिम्मेदारी तो शंकर भगवान के ऊपर आ जाती है, तो पूरा महीना ये शंकर भगवान की आराधना का है। तो पूरा हमारा भारत देश, हमें जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू लोग हैं, सब लोग शंकर भगवान की आराधना करते हैं। और साथ में भादव में तो जैसे कृष्ण भगवान का उत्सव होता है और उसके बाद नवरात्र आ जाते हैं तो दुर्गा जी पूरी सृष्टि की देखभाल करती हैं। तो सावन का यही महत्व है कि शंकर जी की आराधना हम लोग ठीक मतलब पूरी तरह से करते हैं। मैं नीलम वासनीवाल, यहाँ की सूचना प्रभार। ये सावन की मस्ती है कान्हा के संग। सावन, जैसे कि सावन का नाम लेते ही लोगों में उत्साह का संचार हो जाता है, लोग उत्साह से भर जाते हैं और नाचने गाने झूमने मस्ती का टाइम होता है ये। तो आज ये मारवाड़ी महिला सेवा समिति के द्वारा भी इस तरह का एक अनोखा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें महिलाएं हरे भरे परिधानों में सज धज के पूरी तरीके से कान्हा के संग सावन के रंग बना रही हैं, मस्ती में झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं और अपनी भावनाओं का खुलकर इजहार कर रही हैं। जी, सावन जैसे कि कहा जाता है, सावन का मतलब ही हरियाली है। इस समय प्रकृति में भी चारों तरफ आप देखेंगे हरियाली और उल्लास का माहौल रहता है, तो वही हरियाली और उल्लास जो है वो हमारी सदस्याओं के भी अंदर सबके अंदर जागृत है और वही उसका वो इजहार कर रही हैं अपने परिधानों के और वेशभूषा के माध्यम से। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में तारामंडल स्थित क्षत्रिय भवन प्रताप सभागार में प्रताप सभागार फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक तथा मुख्य ट्रस्टी स्वर्गीय डॉक्टर रघुनाथ चंद जी के मूर्ति का अनावरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के आई पी एम के चेयरमैन इंजीनियर आई डी सिंह ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया तथा उनके मूर्ति का अनावरण किया, जिसके संबंध में के आई पी एम के चेयरमैन इंजीनियर डॉक्टर आर डी सिंह ने बताया कि स्वर्गीय रघुनाथ चंद जी क्षत्रिय महासभा व प्रताप सभागार ट्रस्ट फाउंडेशन में हमेशा समर्पित रहते थे और हम लोगों को हमेशा महाराणा प्रताप और शिवाजी के आदेशों पर चलने का प्रेरणा देते रहते थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर चंद क्षत्रिय समाज को क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते थे, जिससे क्षत्रिय का जो कर्तव्य है सभी वर्गों के लोगों को छाया के रूप में उनका पालन पोषण करें। इस अवसर पर वरिष्ठ अतिथि मोतीलाल मेमोरी सोसाइटी के महामंत्री राजेश सिंह, ट्रस्ट के महामंत्री रामदेव सिंह, कोषाध्यक्ष रणविजय सिंह, दिनेश साहू, विशाल विक्रम चंद, डॉक्टर राम अवतार चंद, डॉक्टर दिनेश सिंह, साथ ही श्रवण कुमार सिंह, अरविंद प्रताप शाही सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए के आई पी एम के चेयरमैन इंजीनियर आर डी सिंह एवं आई एम ए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सी कौशिक ने कहा, मंच के बगल में इस सदन के सभागार के शिल्पी संरक्षक और स्वर्गीय डॉक्टर रघुनाथ चंद जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज और उस परंपरा को पूर्वांचल में आगे बढ़ाने वाले, उस लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर समर्पित होने वाले इस सभागार के शिल्पी, इस सभागार के दृष्टा दिव्यनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पूर्व आचार्य और अध्यक्ष, प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग
ट्रस्ट के शिल्पी, सृजनकर्ता और निर्माता आदरणीय श्री रघुनाथ चंद जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर और अपने इन बुजुर्गों, इन मनीषियों, इन तत्वदर्शियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हमारे मंचस्थ अतिथि साथी जी बाबू रामदेव सिंह जी कार्यक्रम के विशिष्ट अध्यापक का अभिनंदन सम्मान अतिथि देव हमारे सनातन संस्कृत में वस्तुओं को प्रदर्शन और जिसके पश्चात श्री रामदेव सिंह जी को माल्यार्पण करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर राम अवतार चंद जी को जिसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूँ श्री बाकी सबको एक भारत माता की जय भारत माता की जय डॉक्टर रघुनाथ चंद अमर रहे अमर रहे अमर रहे चलिए आइए सर हम लोगों के लिए हम लोगों के विशेष ये दिन है और हम लोग बहुत दिनों से चाह रहे थे 4-5 महीने से लेकिन किन्हीं कारणों से जो है इसका अनावरण नहीं हो सका। अब हमारे स्वर्गीय चंद जी हम लोगों के जो है बहुत ही इस क्षत्रिय महासभा एवं प्रताप ट्रस्ट फाउंडेशन के लिए समर्पित रहते थे और हम लोगों को हमेशा महाराणा प्रताप एवं शिवाजी के आदेशों पर चलने के लिए प्रेरणा देते रहते थे। हम लोग डॉक्टर चंद जी के बारे में इतना ही कहना है कि वो इस क्षत्रिय समाज को क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए हमेशा वो जो है चिंतित रहते थे और उनके अंदर ये भावना रहती थी कि क्षत्रिय धर्म का पालन किया जाए जिससे क्षत्रिय का जो कर्तव्य है कि सभी वर्गों के लोगों को छाया के रूप में वो उनका भरण पोषण और उनका याद करें। लेकिन ये हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि बहुत कम समय में हम लोगों का साथ छोड़कर चल दिए। फिर भी हम लोगों के जो है जितने सहयोगी हम हैं हम उनके जो है आदर्शों को चलाते रहेंगे और उसका पालन करते रहेंगे, उनके इस मुहिम को हम गति देते रहेंगे। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर रघुनाथ चंद की स्मृति में इकट्ठे हुए हैं और उनकी प्रतिमा का अनावरण आज का हमारा प्रोग्राम रहा है। डॉक्टर रघुनाथ चंद जी की यह कर्मस्थली रही है, उनकी कर्मस्थली वैसे तो बहुत बड़ी रही है, बहुत बड़े विद्वान इतिहास वक्ता थे और समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और इस भवन का निर्माण उन्होंने एक क्षत्रिय समाज को बैठने के लिए और अपनी संस्था के बारे में सोचने के लिए, विचार करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पे बैठ कर बातचीत कर सकते हैं, इस उद्देश्य से उन्होंने इस भवन का निर्माण कराया था। और उनके देहावसान के बाद या बहुत दिन तक यह विचार आया कि इनकी मूर्ति लगाई जाए और इसका अनावरण किया जाए,
मूर्ति तो बन गई थी, लेकिन किंचित कारणों से हम लोग इसको 2-3 महीने तक इसका जो है अनावरण नहीं कर सके। इसके पीछे बहुत सारे कोरोना या उत्तर बहुत सारे कारण थे। तो आज यह जो है बहुत शुभ घड़ी आई है कि हम एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने पूरे समाज को और पूरे जिला को, पूरे क्षत्रिय समाज को और अपने यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हर तरह से जितनी भी मदद कर सकते थे इन्होंने किया है। इनका जो इनके जो मानवीय गुण थे इसके आगे हम सारे लोग श्रद्धा से नमन करते हैं और आज इनका मूर्ति का अनावरण करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जमीनी विवाद में लाठी डंडों के साथ चली ताबड़तोड़ गोली, 4 लोग हुए घायल। मामला खजनी थाना क्षेत्र के मऊ धर्म मंगल गांव का। मौके पर पहुंची खजनी पुलिस ने घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। मेडिकल कॉलेज हुए रेफर, चल रहा है इलाज। एसपी नॉर्थ ने कहा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गाँव में फोर्स को किया गया है तैनात। गिरफ्तारी के लिए गठित की गयी है टीमें, जल्द होगी वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी। WHO ने मंकी पॉक्स को लेकर ग्लोबल इमरजेंसी किया घोषित। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आवश्यक गाइडलाइन किए जारी। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा जिला अस्पताल में 10 बेड किए गए हैं आरक्षित। मंकी पॉक्स घातक नहीं है बीमारी, लेकिन रहें सतर्क। गौ तस्करी में शामिल 2 अभियुक्तों को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 गौवंश व घटना में प्रयुक्त दाब व मैजिक गाड़ी किया बरामद, भेजा जेल। मुहर्रम पर्व को लेकर इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी की बैठक सकुशल हुआ संपन्न। शासन के द्वारा जारी निर्देश का पालन करते हुए ही जुलूस निकालने पर बनी सहमति। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोप में वांछित एक अभियुक्त जयहिंद को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपहृत पीड़िता को किया बरामद, भेजा जेल। लोक संस्कृति एवं लोक कला के संरक्षण में पुरवाई कला के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर राजीव केतन की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर 2 दिवसीय पुरवाई मात्र कला उत्सव का किया जा रहा है आयोजन। युवा व वृद्ध कलाकारों को किया जाएगा सम्मानित। पुरवाई कला की सचिव एवं संरक्षक ने दी जानकारी। दो 2016 में हुए चर्चित जेलकांड में वांछित एक शातिर अभियुक्त करुणेश तिवारी को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मारपीट व लूट की घटना में वांछित एक अभियुक्त राघव सिंह को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कृति विभाग के द्वारा प्रतिभा खोज कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 23 कलाकारों ने लिया भाग, प्रदर्शित किया अपनी अपनी प्रतिभा। मारवाड़ी महिला सेवा समिति द्वारा सावन में कन्हैया के झूला उत्सव का किया गया आयोजन। संस्था की सखियों द्वारा कन्हैया को झुलाया गया झूला, की गई भजन कजरी प्रस्तुति। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में प्रताप सभागार फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक तथा मुख्य ट्रस्टी स्वर्गीय डॉक्टर रघुनाथ चंद्र की मूर्ति का हुआ अनावरण। कहा क्षत्रिय महासभा व प्रताप सभागार ट्रस्ट फाउंडेशन के प्रति हमेशा समर्पित रहते थे स्वर्गीय डॉक्टर रघुनाथ चंद्र। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।